उसके बाद इसका वाटर लेवल चेक कर ले, आपकी बैटरी में पानी है या नहीं। मार्केट से पानी मिल जाता है इन्वर्टर का 30-40 रुपए में, वो ले आएँ और इसको भर दें। देख रहे हैं इसमें लेवल मेरा रेड पूरा ऊपर तक भरा हुआ है इसमें। और तार लगाने के बाद इन्वर्टर को ऑन किया हमने, तो देखो फ्रेंड्स इन्वर्टर चालू है, इन्वर्टर की लाइट जल गई है इसकी। इसको कर देते हैं बंद और उसके बाद अपने बोर्ड को खोलेंगे। बोर्ड में अपनी वायरिंग चेक कर ले, वायरिंग में अगर आगे पीछे है कुछ तो इसको सेट, और गलत वायर जुड़ी हुई है तो आप उसको सीधा कर लें। और जो भी है ये फ्रेंड्स, इसमें राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको टेस्टर की सहायता से चेक करना है किस साइड करंट आ रहा है इन्वर्टर का। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है वो राइट साइड में है इसके करंट, तो आपके प्लग में भी आपको राइट साइड ही लगाना है। अंदर की जो वायरिंग है उसमें भी आपको राइट साइड ही रेड को जोड़ना है, को प्लग को जो करंट वाली तार है उसी साइड इसको लगाना है। बटन ऑन करते ही मेन ऑन हो जाएगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स मेन ऑन हो चुका है मेन साइड से, अगर आपकी तार गलत लगी होगी तो मेन ऑन नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स चार्जिंग भी चालू हो गई है। अब इसके जो प्लग को आपको राइट साइड सेट कर लें चाहे लेफ्ट साइड सेट कर लें, ये इन्वर्टर की तार है जो ऊपर से जो इन्वर्टर की सप्लाई है जो हमें मेन बिजली देगी इन्वर्टर से होते हुए जो हमें सप्लाई मिलेगी। फ्रेंड्स मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको एक प्लग में सेट किया है ताकि आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत हो तो मैं इसको यहीं से बंद कर सकूँ और खोल सकूँ। मेरे पास बोर्ड है तो इसमें मैंने राइट साइड उसको वायरिंग के साथ अटैच किया है, क्योंकि मैं तार जो इन्वर्टर की है वो राइट साइड ही लगाने वाला हूँ। इसमें बटन दिया हुआ है मैंने इसमें। तो फ्रेंड्स आप इन्वर्टर की तार, ये देखिए इन्वर्टर की तार को जो ब्लू कलर की है, लगभग ब्लू कलर की ही साहब इन्वर्टर की तार को ऐड करते हैं, तो मैंने ये बटन के निचले हिस्से में लगा दिया है। और लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें, कोई भी पार्ट्स लूज नहीं होने चाहिए, टाइट ही होने चाहिए सही तरीके से। अब मैंने इसको नीचे लगा दिया है, टाइट कर दिया है। और इसमें जो है इन्वर्टर की साइड में जो जिस साइड करंट आ रहा होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, वैसे तो राइट साइड ही रहता है, तो फ्रेंड्स राइट साइड ही वायर को जोड़ना है ये सिंगल तार जो है, और प्लग को लगा देना है इसमें ऐसे ही राइट साइड वाली लगा के। और ये तार भी राइट साइड ही रखनी है, हमने तार राइट साइड लगाया है प्लग में तो हमारे राइट साइड लगा हुआ है। और लगा के इसको चेक करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स मैंने सेटिंग कर दिया है इसकी। अब हम इसको बोर्ड को कर देते हैं बंद। अच्छे तरह से टाइट कर दे बोर्ड को, पहले मैंने कवर नहीं लगाया है तो फ्रेंड इसका कवर लगाने के लिए हमें खोलना पड़ेगा ये। इसको कवर को कर दे बंद, मैंने कवर बंद कर दिया है। अब हम अपने सॉकेट को, वो प्लग को लगाएंगे इसमें, स्विच प्लग लगा दिया हमने ये, और इसको भी लगा दिया है। हम बटन को ऑन करके देख लेते हैं, इन्वर्टर हमारा ऑन है। तो फ्रेंड्स हम अपनी लाइट को चेक करेंगे, मैंने अभी मेन बंद किया हुआ है, अभी इन्वर्टर पे ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स इन्वर्टर पे मेरा ये प्लग है, वो बल्ब है, तो इन्वर्टर पे बल्ब हमारा चल रहा है। और अब हम मेन को ऑन करते हैं, मेन स्विच को मैंने ऑन कर दिया। देखिए फ्रेंड्स सामने लाइट जल चुकी है अंदर की तरफ। और अंदर भी हम जाके चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स सभी लाइटें ऑन है और सभी लाइटें चालू हैं। देखिए फ्रेंड्स सारी लाइटें चल रही हैं।
अब हम अपने मेन को ऑन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेन की लाइट जल चुकी है और ये चार्जिंग वाली लाइट भी चालू हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर सेट हो चुका है और हमारी लाइटें सारी जल चुकी हैं, सभी लाइटें चालू हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने इन्वर्टर को अब करते हैं बंद और इन्वर्टर को एक कोने में अपना सेट कर देते हैं कवर वगैरह लगा के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजेबल लगी है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, और अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और आपको और कोई जानकारी चाहिए इन्वर्टर की सेटिंग के लिए तो प्लीज़ कमेंट करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कुछ ही दिनों में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही आप अपने घर में इन्वर्टर सेट कर सके, अपने 200 400 500 रुपये जो भी है मिस्त्री के वो बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।